बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राजस्थान की केकड़ी विधानसभा में कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण नीति को लेकर जमकर निशाना साधते हुए कहा, यहां की सरकार धार्मिक स्थलों के विकास को रोकने के लिए उन पर बंदी से लगाती है। आपने काशी में विश्वनाथ, उत्तराखंड में केदारनाथ और मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर के विकास कार्य को देखा होगा। यह सभी कार्य भारत की आस्था को संभल देने का कार्यक्रम है जो केवल बीजेपी सरकार ही कर सकती है। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने परिचित अंदाज में 15 मिनट के भाषण की शुरुआत भारत माता की जय और वंदे भारत के जयकारों के साथ शुरू की। जैसे ही योगी आदित्यनाथ मंच पर संबोधन करने के लिए पहुंचे तो पंडाल में बैठी भीड़ योगी योगी के नारे लगाने लगी। इस दौरान योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट मांगते हुए कहा, आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। उन्होंने लोगों से पूछते हुए कहा, क्या यह कार्य कांग्रेस करवाती? क्या कांग्रेस कभी हिंदुओं को सम्मान दे पाती? क्या कांग्रेस अपनी आस्था को सम्मान दे सकती है, देश को सम्मान दे सकती है? हरगिज नहीं। देश को आस्था और सम्मान केवल बीजेपी ही दे सकती है। यही नहीं, इस दौरान सीएम योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। साथ ही कहा, मोदी सरकार ने आमजन और गरीबों को हर तरह की राहत प्रदान की है, जबकि राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। कांग्रेस ने राजस्थान में जमकर लूटपाट मचाई। बीजेपी की केंद्र सरकार से पहले कांग्रेस सरकार में जमकर भ्रष्टाचार का खेल चला। पता नहीं चलता था सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। योगी ने वसुंधरा सरकार और गहलोत सरकार की तुलना करते हुए ये तक कह दिया, आपने दोनों शासनकाल देखे हैं, जहां तक बीजेपी शासन में विकास हुआ है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडाराज का बोलबाला रहा है। बीजेपी सरकार ही आपको सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, विकास का आश्वासन दे सकती है। फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद से ही कांग्रेस में खलबली मची है। साथ ही बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब कुछ अपने नीतियों में बदलाव कर सकती है, लेकिन देखना होगा क्या योगी आदित्यनाथ के बयान से जनता का रुख बदल जाता है और बीजेपी राजस्थान में अपनी सत्ता बनाने में कामयाब रहती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।